हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको घुमाने वाले हैं टपोरी गार्डन। सो दोस्तों, टपोरी गार्डन सुन के आपको लगा होगा वाकई में कोई टपोरी गार्डन जगह है। तो दोस्तों, टपोरी गार्डन जगह नहीं है, उसका गार्डन का नाम है टोपेरी गार्डन, जो कि सेक्टर 35 में पड़ता है। आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हो, ये टोपेरी गार्डन है। तो टोपेरी गार्डन दिखाते हैं आपको और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं टाइम ना ज्यादा गवाते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत धूप पड़ रही है भाई साहब, आज बहुत तेज धूप हो रही, गर्मी भी होगी। तो दोस्तों, बेसिकली इस गार्डन में ऐसा है, टोपेरी गार्डन में, जो कि सेक्टर 35 में पड़ता है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो लोहे के जालीदार फ्रेम होते हैं, उन फ्रेमों को लगाया गया है अलग अलग एनिमल्स के उसमें स्ट्रक्चर में लगाया गया है, और उसमें क्या है, पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। तो जब पेड़ पौधे उगते हैं उस फ्रेम में, जालीदार फ्रेम में जाते हैं, तो उसमें क्या है, फिर माली बाहर से कटिंग कुटिंग कर देता है, फिनिशिंग दे देता है, जो एक्स्ट्रा जाली से बाहर जा रहा है पेड़ पौधे का जो भी है, तो उससे क्या है कि एक शेप आ जाती है। यहाँ पे एनिमल में जैसे कि आप घोड़े देख सकते हो, हॉर्स है, और जैसे कि चूहे हो गए, हाथी हो गया, इसी तरह के लगा रखे हैं, ऊँट हो गया दोस्तों। तो इसी तरह के जालीदार फ्रेम लगाए हुए हैं और उनमें प्लांट्स लगाए हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि किस किस तरह के यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन वगैरह बनाया गया है, डिफरेंट तरीके से, थोड़ा यूनिक तरीके से इस पार्क को बनाया गया। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं आपको पार्क में। देखो, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो पतझड़ भी आता है और पतझड़ नहीं भी आता है, तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो पत्ते वगैरह भी गिरते ही हैं, गंदगी वगैरह थोड़ी बहुत तो होती है, गंदगी वैसे गंदगी नहीं होती है, पेड़ पौधे से रिलेटेड यहाँ पे पत्ते वगैरह होते हैं या फिर लकड़ियाँ वगैरह, सूखी टूटी लकड़ियाँ पेड़ पौधों की गिर जाती है। तो इन सबको क्लीन करने के लिए एक चीज़ यहाँ बनाई गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये किस तरह का यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बनाया जाता है चंडीगढ़ की तरफ से। यहाँ पे लोगों भी देख सकते हो, यहाँ पे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो जो पूरे गार्डन के, तो दोस्तों ये पूरे गार्डन के जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो भी कचरा इकट्ठा होता है गार्डन के अंदर, तो इनके अंदर इकट्ठा किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसा कुछ बना हुआ है, आपको और दिखाता हूँ मैं। देखिए, जितना भी है पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियाँ, डालियाँ, जो भी सारा वेस्टेज है, इनके अंदर बनाया जाता है, इनके अंदर डाला जाता है, इसलिए इनको बनाया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसको बोलते क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेक्शन को क्या बोला जाता है। ये मेरे पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है एरोबिक कंपोज स्पिट्स। तो दोस्तों, इस सेक्शन को ये बोला जाता है, तो इस नाम से ये चीज़ बनाई गई है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि पार्क को नीट एंड क्लीन करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कदम उठाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चंडीगढ़ के। दोस्तों, आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको और भी अच्छी चीज़ें यहाँ की, तो बने रहे इस वीडियो में।
sound, back to the sound. फ्रेंड्स, आपने बहुत से ऐसे जानवरों की और बहुत से ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की आपने अभी देख रहे हो। आप कैसे कैसे हैं यहाँ पे, मुझे तो बहुतों के नाम ही नहीं पता और बहुतों का पता ही नहीं चल रहा कि वो है क्या चीज दोस्तों, कि किस तरह के फ्रेम है, कौन सा एनिमल बनाने की मतलब बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आता है तो बताइए यार, मुझे कमेंट कीजिए कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे जो लोहे के जो फ्रेम होते हैं उनमें लगाया गया है। और अभी मतलब उतनी हरियाली है नहीं, उतना मतलब अभी जिस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो उतनी हरियाली है नहीं, और आधे खाली हैं तो आधे भरे हुए हैं, प्रॉपर अच्छे से फ्रेम पूरा भरा हुआ नहीं है, मतलब कि प्रॉपरली उसमें बूटे अभी खिले नहीं हैं अच्छे से, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा दोस्तों। वैसे बरसात के मौसम में या कि अदर सीज़न में मतलब कि बहुत अच्छा होता है, अभी तो वैसे ही पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो गया है तो शायद इसीलिए इतना प्रॉपर अच्छे से खिल के नहीं मतलब आ रहा है, अभी वीडियो में नहीं आ रहा होगा। आप देख रहे हो सेक्टर 35 का, चंडीगढ़ सेक्टर 35 का टेपोरी गार्डन, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज ये थी वीडियो सेक्टर 35 के टोपेरी गार्डन की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे जो नए लोग आए हैं, नए मेहमान आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड ऐसी वीडियो शूट करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, ब्लॉग शूट करता रहता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।